मेरी जॉब लगी है चंडीगढ़। अरे इतनी दूर, वहाँ पे तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अरे है ना माँ, वहाँ मेरा चंडीगढ़ वाला फ्रेंड, जब भी कोई जरूरत हुई मैं उसे बोल दूंगी। लड़का अच्छा है ना वो? बहुत अच्छा है वो। हरमन! अरे नवनीत, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? मेरी छोड़, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे यार क्या बताऊँ, ये मेरी फ्रेंड है स्वरलीन, इसकी यहाँ नई नई जॉब लगी है तो ये आज ही यहाँ शिफ्ट होने आई है। कोई रूम ढूंढ रहे थे इसके लिए। हाँ पर अच्छा सा रूम मिल ही नहीं रहा कहीं। कल मेरी जॉब का पहला दिन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगा तुम्हें रूम। हरमन ने तुम्हें बताया नहीं, हम फ्लैटमेट हैं, हमारे पास एक रूम खाली पड़ा है। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो तुम हमारे साथ रूम शेयर कर सकती हो। ओके फाइन। या इट्स कूल। ओके चलो फिर। लो सुरलीन, ये रहा हमारा फ्लैट और वो रहा आपका रूम। जब तक तुझे कोई रूम नहीं मिलता ना, तुम यहाँ बड़े आराम से रह सकती हो। थैंक्स हरमन, जब तक मैं इस फ्लैट में हूँ यहाँ का आधा रेंट मैं पे करूँगी, ठीक है? अरे रेंट की कोई बात नहीं, बस तुम हमारे लिए खाना बना दिया करना। वैसे भी इसके हाथों की टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ खाकर मेरा मुँह टेढ़ा हो गया है, कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। अच्छा मतलब तुम लोगों ने मुझे खाना बनाने वाली समझा हुआ है? हाँ? अबे खाना बनाने वाली समझते नहीं है, तुम हो ही खाना बनाने वाली। अच्छा तुम्हें तो मैं हरमन एक बात बोलूं? अरे बोल भाई। जो सुरलीन है ना, बड़ी सुंदर सी, प्यारी सी, भोली सी है ना? ओ हेलो, अभी उससे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तू आज ही उस पे ट्राई मारने की सोच रहा है। नहीं यार मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस उसकी तारीफ कर रहा था। उसका जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसे खुश रखेगा। मैं तो कब का उसको अपने दिल में बसाए बैठा हूँ, बस इजहार करना बाकी है। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। डरा ही दिया था। क्या लगा तुम्हें कि कोई भूत? भूत? तुम किसी भूत से कम थोड़ा ही ना हो। सुरलीन तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानती बाबा, बोलो। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। आई लाइक यू। देखो नवनीत, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। पर मुझ में क्या कमी है? आई लाइक यू, आई लव यू। अभी दो दिन भी नहीं हुए हमें मिले हुए और तुम्हें इतनी जल्दी प्यार भी हो गया। तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्यार के नाम पे क्या करना चाहते हो। और तुमने अपनी शक्ल देखी है, कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? और खबरदार जो मुझसे आइंदा ऐसी बात की। नवनीत, मुझे सुरलीन ने सब बता दिया जो तुमने उसके साथ हरकत की है। मैं सुबह के लिए तुमसे सॉरी मांगता हूँ। सॉरी? बस सॉरी बोल के अपनी गलती का पछतावा करने का अच्छा तरीका है। तुम सब लड़कों की यही प्रॉब्लम है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, सोचते हो कि कोई भी लड़की तुमसे सेट हो जाएगी आसानी से, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, ये बात याद रखना। देखा कितना एटीट्यूड है इस लड़के में। चलो छोड़ो, वैसे तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी लड़का तुम पे फिदा हो जाए। हे बनके मैं भी।
क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें कितना शरीफ समझती थी हरमन, और तुम भी उसकी तरह। ये बहुत हार्ड सिक। लेकिन सुलीन, मेरा प्यार सच्चा है, मैं सच में तुमसे। और शट अप हरमन, हर चीज की हद होती है, और वैसे भी मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ती। मैं किसी अमीर और सक्सेसफुल इंसान से शादी करूंगी, और तुम्हारे पास है भी क्या देने को, इसलिए तुम अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की ढूंढो और भूल जाऊंगी। हरमन, खाने में क्या बनाना है आज? खाने का भी कुछ कर लेते हैं, पहले पी तो लें। अरे वाह जी, किस खुशी में ले आया? खुशी कह लो या फिर गम कह लो या सुरलीन को मनाने का ढंग कह लो। सुरलीन, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर दोबारा नई दोस्ती की शुरुआत करो प्लीज। अरे मैंने दोस्ती तोड़ी कब थी? हाँ, थोड़ी सी नाराजगी जरूर हो गई थी, बट डोंट वरी, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। गुड, तो लो फिर इसी खुशी में एक एक जाम हो जाए। सॉरी हरमन, मैं शराब नहीं पीती। कम ऑन सुरलीन, ये शराब थोड़ी, इट्स अ वियर, इससे कुछ भी नहीं होता। हाँ बट मैं लाइक ही नहीं करती। ले लो सुरलीन, हमारी दोस्ती के नाम पर। अरे लो ना प्लीज। ले नवनीत, हम भी शुरू करें। अरे गिलास रख दिया, एक एक और लगाते हैं। नहीं हरमन बस। अरे बियर ही तो है। बस हरमन, और मत डालो। ले लो ले लो। ले पी भाई, खींचो भाई। बस करो हरमन, बहुत ले, उठाओ उठाओ। हरमन मेरा सर चकरा रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ध्यान से जाना, ध्यान से। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय। अरे केक बनाओ ना। Thank you.
गुड मॉर्निंग। अरे सुरलीन, क्या हुआ? आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। पता नहीं मुझसे ठीक से उठा भी नहीं जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी। कोई बात नहीं, आज तुम छुट्टी कर लो, आज काम पे मत जाना। ओके ओके ओके, बाय बाय। यार खाओ खाना। लाओ लाओ। मेरा मूड नहीं है खाने का। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस ऐसे। चलो तो फिर तुम दूध पी लो, मैं अभी लेकर आया। मैं कुछ भूल गया। हाँ बाउल, मैं बाउल लेके आया। अरे नवनीत, वो बाउल पकड़ा ना। देख भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने, बताना कैसे लगी। सोरलिन लो दूध। भूख बहुत लगी है यार, बैठो खाना खाएं। चलो गाइस, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। ओके। नवनीत जल्दी से तैयार हो, निकलना है ऑफिस को। बस निकलते हैं यार, दो मिनट रुक जा। नवनीत तुम कल रात को मेरे रूम में आए थे। सोरलीन क्या कह रही हो तुम, मैं तुम्हारे रूम में भला क्यों आऊंगा? तुम आए थे या नहीं? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पिछली दो रातों से मेरे रूम में आ रहे हो, मुझे खाने में नशीली दवाई देते हो और जब मैं होश में नहीं होती तो मेरे साथ गलत हरकत करते हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उस दिन का बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो ना। नवनीत क्या ये सच कह रही है? नहीं यार हरमन, ये झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो, झूठ तुम बोल रहे हो। तुम जैसे घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हरमन मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ आई थी ना, मुझे क्या पता था ये दरिंदा ऐसी हरकत करेगा मेरे साथ। हरमन हरमन यार सच में मैंने कुछ नहीं किया। चुप साले, जे क्या झूठ बोल रही है या इसके आंसू झूठे हैं? इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं और यहां पे कुछ कर दूं, निकल जा यहां से। हरमन यार मेरी बात तो सुन। आई सेड गेट आउट।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो हर रात करता हूँ तुम्हारे साथ। तो क्या वो तुम थे हरमन? बिल्कुल, उस दिन नवनीत को बियर लाने के लिए भी मैं नहीं बोला था। अरे नवनीत कहाँ पे है? अरे बाहर क्यों घूम रहा है? अगर सुरलीन को मनाना है ना, पार्टी करनी पड़ेगी बेटा। चल बियर ले गया। फिर उस दिन तुम लोग जब बातें करने लगे तो मैंने गिलास में नींद की गोली डाल दी। जब नींद की गोली ने अपना असर दिखाया तो तू गहरी नींद में सो गई। नवनीत के सोने के बाद मुझे तेरे पास आने का मौका मिल गया और मैं तेरे रूम में आ गया। और हाँ, दूसरे दिन भी दूध में नींद की गोली मैंने ही मलाई थी। और तुम फिर दूध पी के बेहोश हो गई और मैंने तेरे साथ वो सब किया जो मैं करना चाहता था। पर क्यों हरमन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तुमने मेरा प्यार ठुकराया था। और तुम्हारे पास है भी क्या देने को? इसलिए तुम अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की ढूंढो और भूल जाओ मुझे। सुरलीन, तूने मेरा प्यार ठुकरा के अच्छा नहीं किया। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें पाके रहूंगा। मैंने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया और तूने मेरे प्यार की कदर नहीं की। फिर मैंने तुझे अपना बनाने की ठान ली। हरमन, किसी को अपना बनाने के लिए उसका प्यार जीतना जरूरी होता है, उसके साथ जबरदस्ती करके उसे हासिल करना नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे मेरे साथ। Shame on you and I hate you. मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब एक पल और नहीं रुकूंगी। अरे चल। अरे जा कहाँ रही थी? मैं जिस चीज को पाने की ठान लूं उसे हासिल करके रहता हूँ।